दीपावली के उपलक्ष्य पर खत्री महिला कल्याण समिति ने सोमवार को वेलकम दीपावली की बैठक के रूप में धूमधाम से मनाया। बैठक में समिति की अन्य महिलाओं को घरेलू खराब सामानों से सजावट के सामान बनाने के तरीके बताए गए। महिलाओं को बताया गया कि दीपावली पर मिट्टी के दीयों का ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश के पैसा देश में ही रहे और गरीब कुम्हारों का रोजगार बढ़े। इस अवसर पर अंजु मल्होत्रा, ममता मेहरा, पूनम भाटिया, कौशल सिंह, गुरजीत पुरी, रजनी अरोड़ा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति की अध्यक्ष पूनम खुल्लर ने कहा, अध्यक्ष पूनम खुल्लर खत्री महिला कल्याण समिति की तरफ से हम लोग ने इस बार दिवाली अगेंस्ट दिवाली का आयोजन किया है, क्योंकि दिवाली के बाद तो सभी लोग करते हैं। हम लोग ने दिवाली से पहले ही अपने मेंबर्स का वेलकम किया है और दिवाली की शुरुआत की है। इस महीने में सारे ही त्यौहार थे हमारे, करवा चौथ जो हमारे पंजाबियों का बहुत खास होता है, इसमें हमारी सारी बहनें बहुत अच्छी तरह से तैयार रहती हैं उसी वजह से। और जो हम लोग एक हमारा मकसद ये भी था कि हम लोग इसमें सबको अगेंस्ट करें कि मिट्टी के दीयों का प्रयोग करें और लाइटों का कम प्रयोग करें। इसी वजह से हमारी मीटिंग पहले करने का एक मकसद उपदेश ये भी है कि मिट्टी के दीयों का ही प्रयोग करें सब हमारी बहनें। इसके ऊपर हम लोग ने एक नाटिका भी प्रस्तुत करनी है जो अभी हम लोग करेंगे, और हमारी सचिव है निरुपमा आनंद जी, इनसे भी दो शब्द लीजिए। आज हम लोग ने पहले जलाकर लक्ष्मी पूजा की, गणेश पूजा की है, और मेंबर्स को गेम खिलाएंगे और ये बताएंगे कि दिवाली पे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किस तरह से घर की सजावट की जाए और क्या किस तरह से कम बजट में किस तरह से घर को सजाया जा सकता है, और क्या हमारे घर में जो अनुपयोग वाली चीज़ें वस्तुएँ हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करें कि मतलब कि उनका भी इस्तेमाल हो जाए और हमारा बजट भी अलाउ कर जाए। और ख़ासकर हमारा मकसद यही है कि आज हम सबको मिट्टी के दीयों का प्रयोग बताएं कि जो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन, जो हमारे शहर के देश के लोग हैं, जो बनाते हैं और जो हमारा पैसा विदेश कंपनियों में जा रहा है, उसका बचत हो और उससे हमारे देश का कुछ भला हो। जो मोदी जी का है मोटिव, उसके ही साथ हम चल रहे हैं कि जो हमारा पैसा हो हमारे देश के। जय भारत, जय हिंद।